हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो बीटेक के मेंबर शुगर पर जो इस वक्त पुलिस केस चल रहा है, तो उसे चलते अब 1 मंथ तो होने वाला है, पर अभी तक इसका कोई भी रिजल्ट सामने देखने को नहीं मिला है। पर साउथ कोरिया की मीडिया और हेटर्स की वजह से हमारे शुगर को हेट तो हर दिन ही बहुत ज्यादा मिल रही है, एंड शुगर भी अपनी इस गलती की वजह से आजकल हर दिन कहीं ना कहीं रिग्रेट में ही जी रहे होंगे। पर दोस्तों, क्या आप ये जानते हो कि जो साउथ कोरिया की मीडिया जिसने शुगर के इस केस को जानबूझकर इतना बड़ा बना रही थी, तो आज खुद उन्हीं पर ही शुगर के साथ गलत काम करने की वजह से बहुत ही बड़ा लीगल केस लग गया है, जिसके लिए उन्हें लीगल पनिशमेंट और फाइन भरना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली ये केस जो JTBC सबसे फेमस के मीडिया है, तो उन पर ही लगा है शुगर के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। तो आपको याद होगा कि जब JTBC ने शुगर की ये गलत वाली एक्सीडेंट वीडियो शेयर करी थी, तो इसकी वजह से शुगर पर उस टाइम बहुत कुछ बीता था। इनके इस गलत वीडियो की वजह से शुगर के खिलाफ काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और हेट भी पैदा हो गई थी, एंड फिर कुछ दिन बाद सामने आया था कि JTBC की शेयर करी कि ये वीडियो फेक है, एंड इस केस की ओरिजिनल CCTV फुटेज हमने देखी थी। तो शुगर के इस गलत CCTV फुटेज को स्प्रेड करने की वजह से और शुगर के एक्सीडेंट की गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए ही KSCS कमेटी ने JTBC पर ये लीगल केस लगाया है। तो KCSC कोरिया कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड कमीशन, जो कि न्यूज चैनल, ब्रॉडकास्ट चैनल और के मीडिया, इन सब पर अपनी नजर रखती है कि अपना काम सही से कर रहे या नहीं, या फिर ये सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे या नहीं। तो KCSC कम्युनिटी के पास रिसेंटली काफी सारे कम्प्लेन और इवन आर्मी की तरफ से 40 से भी ऊपर केस फाइल हुए थे JTBC को लेकर, और सिविल कम्प्लेन भी करी गई थी, जिसे देखते हुए KCSC ने JTBC पर केस लगा दिया है, एंड वो JTBC पर बहुत ही जल्द लीगल एक्शन और फाइनेंशियल पेनल्टीज उनसे वसूल करने वाले हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जब भी किसी के साथ बुरा करोगे तो उसका बुरा नतीजा तुम्हें भी मिलेगा ही ना। तो फाइनली वो नतीजा अब JTBC को मिल गया है, एंड आई होप कि जिस तरीके से JTBC ने हमारे शुगर को इतना ज्यादा परेशान करा, तो उसकी दुगनी पनिशमेंट इनको भी मिले। साथ ही साथ हमें उन आर्मी और ब्रिगेड के जिन भी स्टाफ ने KCSC को JTBC के इस गलत हरकत के बारे में बताया और शुगर के लिए केस फाइल करे, तो हम आर्मी को उनका भी थैंकफुल फील करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना JTBC को उनके किए की सजा दे पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तो दोस्तों, आप सभी को ये गुड न्यूज कैसी लगी, इसके बारे में मुझे कॉमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।